कई बार इंसान विज्ञान और भगवान में उलझ जाता है और वो ये समझ नहीं पाता कि आखिर असलियत क्या है। 2014 में रिलीज हुई कार्तिकेय भी कुछ ऐसी फिल्म है जो देखने वाले को भगवान और विज्ञान इन दोनों के बीच लाकर खड़ा कर देती है। कार्तिकेय तेलुगु मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसे आज हम एक्सप्लेन करेंगे। और मैं तुम सबको पहले से ही बता दूं कि जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा वो सब फिल्म से रिलेटेड होगा। इसमें किसी धर्म, भगवान या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का इंटेंशन बिल्कुल नहीं है और मैं इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस से बना रहा हूँ। तो चलो इस अद्भुत मिस्ट्री से भरी फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं और साथ में मैं वीडियो के लास्ट में तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम इसे हिंदी डब फ्री में कैसे देख सकते हो। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विक्की एंड वेलकम टू माय चैनल। कहानी की शुरुआत सुब्रमण्यपुरम नाम के गांव से होती है जिस गांव के मंदिर की मिस्ट्री पर ही कार्तिकेय फिल्म को बनाया गया है। दरअसल इस गांव में एक अजीब से बंगले में शंकर नाम का एक राइटर शहर से रहने आया होता है। वो अपने दोस्त को फोन करके ये बताता है कि वो सुब्रमण्यपुरम गांव में है और एक बुक उसी गांव की मिस्ट्री पर लिख रहा है और बुक लगभग एक दो दिन में पूरी हो जाएगी और वो उस गांव की मिस्ट्री सॉल्व कर देगा। जब उसका दोस्त उस गांव का नाम सुनता है तो घबरा जाता है और शंकर को सावधान रहने को कहता है, लेकिन तभी अचानक एक सांप आकर शंकर को काट लेता है और शंकर की वहीं पर मौत हो जाती है और शंकर उस गांव का रहस्य खोले बिना ही मर जाता है। यही साउथ के फिल्मों की खास बात है, ये हमेशा मिस्ट्री को पहले से ही थोड़ा सा दिखा देती है जैसे पब्लिक हमेशा फिल्म में बनी रहती है। अब कहानी में हीरो की एंट्री होती है। एक मेडिकल कॉलेज में रात को एक जगह घोस्ट होने की बात की जाती है। हमारा हीरो भी उसी कॉलेज में एक मेडिकल स्टूडेंट होता है जिसका नाम है कार्तिकेय। अब कार्तिक अपने एक दोस्त के साथ जाकर उस रहस्य को उजागर करता है और सुबह आकर सभी को बताता है कि वो भूत असलियत में बस रिफ्लेक्ट कर रही लाइट होती है। और साथ ही में कार्तिक ये भी बताता है कि इस दुनिया में हर सवाल का जवाब होता है, बस उसे ढूंढने वाला चाहिए। अब इससे आगे करीब 5-6 मिनट तक कार्तिक के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो दूसरे लोगों से अलग है, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है और जीनियस भी। उसके बाद कार्तिकेय की फैमिली का इंट्रो होता है जिसमें कार्तिक के माँ बाप, उसके भैया भाभी और उनकी एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है। कॉलेज का लास्ट दिन होता है और कॉलेज में जाते ही कार्तिक के माँ का उसे फोन आता है। वो उसे कहती है कि आज के तुम्हारे राशिफल में लिखा हुआ है कि तुम्हें तुम्हारी गुड लक लड़की मिल जाएगी। कार्तिक को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन अपनी माँ के कहने पर वो इधर उधर देखता है और यहाँ पर हीरोइन की एंट्री होती है। वानी नाम की इस लड़की को देखते ही कार्तिक को उससे प्यार हो जाता है, मगर उन दोनों में हमेशा झगड़े होती रहती है। इसी बीच कई ऐसे हादसे होते हैं कि कार्तिक को भी लगने लगता है कि वानी सच में उसका गुड लक है। इसी फिल्म में एक बात ये भी अच्छी है कि इसमें कॉमेडी भी की गई है जिससे स्टोरी बिल्कुल बोरिंग नहीं लगती। वही दूसरी तरफ उस इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो सुब्रमण्यपुरम में सांप के काटने से मरे शंकर का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। इसका भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। शंकर जहाँ काम करता है उसी एजेंसी के हेड से मिलकर वो इस केस को क्लोज करने के लिए उस हेड की साइन लेने जाता है। तब वो हेड इंस्पेक्टर को बताता है कि शंकर को भगवान ने मारा है और पिछले कई हफ्तों से सुब्रमण्यपुरम में ऐसी ही मौतें हो रही है जिसका कारण उस गांव में सुब्रमण्यम स्वामी का एक मंदिर है जिसे कुछ कारणों की वजह से बंद करके रखा गया था और उसे खोलने की कोशिश करने वालों की लगातार मौतें हो रही है और ज्यादातर सांप के काटने से ही मर रहे हैं। अब कहानी में मजा तब आता है जब कॉलेज का प्रिंसिपल कार्तिक को जानबूझ के मेडिकल कैंप में सुब्रमण्यपुरम भेज देता है। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। एक तरफ है कार्तिक जिसे अगर एक भी सवाल का जवाब ना मिले तो रात को नींद नहीं आती, और दूसरी तरफ है सुब्रमण्यपुरम का वो मंदिर जिसके बारे में जिसने भी जानने की कोशिश की उसकी सांप काटने से मौत हो गई। तो अब आगे क्या होगा, कहानी कई सारे सवालों से तुम्हें उलझा कर रखेगी। कार्तिक और उसके दोस्त मेडिकल कैंप के लिए सुब्रमण्यपुरम के लिए निकल पड़ते हैं। गांव के नजदीक आकर कार्तिक गाड़ी को रोक देता है, सभी नेचर का मजा ले रहे होते हैं। तभी अचानक एक डरावना आदमी आकर उन्हें गांव में मत जाओ के इशारे करता है, मगर अजीब बात तो ये होती है कि जैसे ही वो कार्तिक को देखता है गांव में जाने के लिए अनुमति देता है। ऐसा लगता है जैसे वो कार्तिक को जानता है। गांव में जाने के बाद वो एक अजीब से बंगले में रहते हैं जहाँ कोई गाँव वाला आदमी नहीं आता। इसे धर्मात्मा का बंगला कहा जाता है। सभी गाँव वाले इससे बहुत डरते हैं, लेकिन कार्तिक उसी बंगले में रहने की जिद करता है। कैंप के आधे स्टूडेंट गांव में ही रहते हैं और उस बंगले में बस कार्तिक और उसके दोस्त ही रहते हैं
वहां जाकर पता चलता है कि शंकर भी यही मारा गया था। उसके अगले सीन में शंकर का दोस्त इंस्पेक्टर को फोन करके उस किताब के बारे में बताता है जो शंकर ने सुब्रमण्यम पुरम और उसकी मिस्ट्री पर लिखी थी। इंस्पेक्टर उसे पढ़ता है और गांव की तरफ निकल पड़ता है। एक हादसे में इंस्पेक्टर की मौत हो जाती है और जिस वक्त उसकी मौत होती है कार्तिक वही होता है। कार्तिक वहां से वो किताब ले आता है जिसमें सभी हो रही मौतों के बारे में लिखा होता है, लेकिन उसमें इन सब के पीछे का कारण नहीं लिखा होता है। अब कार्तिक के मन में सवालों का भूचाल आ जाता है। कार्तिक के दोस्त उसे समझाते हैं कि इस किताब को फेंक दे, इसे पढ़ने वाला मर जाता है, मगर कार्तिक नहीं मानता। कार्तिक के उस किताब को पढ़ने के बाद से ही उसके आसपास सांप दिखने लगते हैं। कई बार उसके दोस्तों को भी सांप दिखता है। इसके पीछे का रहस्य क्या है जानने के लिए कार्तिक एक सुबह उसी श्रापित मंदिर चला जाता है, मगर उसे कुछ पता नहीं चलता। मगर गांव वाले कार्तिक पर भड़क जाते हैं कि वो उस मंदिर क्यों गया था। एक गांव वाला जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होता है वो कार्तिक की तरफ से बोलता है। कार्तिक की साइड लेते ही अचानक उसकी मौत हो जाती है। अब मामला और सीरियस हो जाता है। उसके अगले ही दिन कार्तिक की फैमिली वहां आ जाती है, वानी से मिलती है। इस सीन में थोड़ी सी लव स्टोरी को दिखाया जाता है। उसी रात को कार्तिक पर सांप हमला करता है और अचानक से गायब हो जाता है। अब खतरे को देखते हुए कार्तिक अपनी फैमिली को वापस हैदराबाद भेज देता है। उसी रात वही सांप उस पे फिर से हमला करता है। सांप को पकड़ने के बाद कार्तिक उसे एक लैब में ले जाता है। वहां उसे पता चलता है कि वो सांप सच में उसे ही मारने आया था। अब इसी रहस्य को जानने के लिए कार्तिक तजवरम के सबसे पुराने पुजारी से मिलने जाता है। वहां जाकर उसे इस मंदिर के इतिहास के बारे में पता चलता है। अब ये सब क्यों हो रहा है इसका रहस्य धीरे धीरे करके सामने आने लगता है। कार्तिक एक रात को दोबारा उस मंदिर में जाता है जहां उसे सच का पता चलता है। इस सभी चीजों के पीछे की मिस्ट्री जानकर वो शॉक होता है। इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ज्यादा सस्पेंस से भरा पड़ा है। हकीकत में इन सब के पीछे कौन है, भगवान या फिर कोई इंसान? और अगर इंसान है भी तो वो ये सब क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है? ये सारे सवाल तुम्हें चक्कर में डाल देंगे। फिल्म की स्टोरी के प्लस माइनस भी जान लेते हैं। फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है, बस ये थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में है, कुछ चीजें सॉल्व नहीं की गई है। फिल्म तुम्हें कहीं भी बोर होने नहीं देगी क्योंकि कार्तिक के फिल्म में सस्पेंस और कॉमेडी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। वैसे कुछ चीजें इलॉजिकल है जिनका कोई सेंस नहीं बनता, जैसे कि इंस्पेक्टर की मौत। ऐसा लगता है जैसे कि उस किताब को कार्तिक तक पहुंचाने के लिए ही उस इंस्पेक्टर की डेथ हुई थी। जब तुम फिल्म देखोगे तब समझ जाओगे। सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों में क्लाइमैक्स बहुत मैटर करता है और इस फिल्म का क्लाइमैक्स परफेक्ट है। अगर आपको कार्तिकेय को देखना है तो यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएगी, वो भी हिंदी डब में। तो अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दो। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप कार्तिक की फिल्म को यूट्यूब पर प्रीमियर देख सकते हो।